ये 30 डेज हेयर ग्रोथ चैलेंज कर लिया तो आपके बालों की काया पलट जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद के हेल्थ एंड ब्यूटी सीक्रेट में। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ मेथी कलौंजी का शैम्पू शेयर कर रही हूँ। और पिछली वीडियोस में मैंने मेथी कलौंजी का पैक और टोनर शेयर किया था, तो इस सीरीज़ का ये 3rd वीडियो है गाइज। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और इस सीरीज़ को पूरा फॉलो ज़रूर करिएगा। सो गाइज, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि मेथी कलौंजी जो होती है हेयर फॉल को कंट्रोल करने में, हेयर रीग्रोथ के लिए, बालों की थिकनेस को, ग्रोथ को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सा आज का ये रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो वीडियो में आगे बढ़ने पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ में नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा कोई क्वेरी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सो चलिए इस शैम्पू को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए गाइस, मैंने मेथी कलौंजी का शैम्पू बनाने के लिए एक पैन लिया, उसमें एक गिलास मैंने पानी डाल दिया। कम से कम 200-250 ml आपको पानी ले लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ एक चम्मच मेथी। मेथी में प्रोटीन होता है और पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो एक चम्मच मैं यहाँ पर मेथी डाल रही हूँ। अगर आप एक हफ्ते के लिए शैम्पू को तैयार करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 2-2 चम्मच की मात्रा में ये दोनों चीज़ें ऐड कर सकते हैं। या फिर आपको शैम्पू ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है, ज़्यादा लंबे घने बाल हैं आपके, तो आप यहाँ पर मेथी कलौंजी की क्वांटिटी थोड़ी और बढ़ा सकते हैं और उस हिसाब से आपको पानी भी थोड़ा ज़्यादा रखना है। तो एक चम्मच मैंने कलौंजी भी डाल दी है। उसके बाद 3-4 यहाँ पर लौंग आपको डाल देना है। मैं ये शैम्पू सिर्फ एक बार के लिए बना रही हूँ, इसलिए 3-4 लौंग मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। अगर आप एक हफ्ते के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पर 8-10 लौंग भी ऐड कर सकते हैं। लौंग जो होता है हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, बालों को तेज़ी से लंबा करने में मदद करता है। हेयर रीग्रोथ के लिए लौंग बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो मेरे चैनल पर आपको लौंग का टोनर भी मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा बेहतरीन हेयर ग्रोथ के लिए। 3 दिनों में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको दिखाता है हेयर ग्रोथ में, तो ये बहुत बेहतरीन है। तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। सो गाइस, ये बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको 10-15 मिनट के लिए बॉयल 10-12 मिनट के लिए अच्छे से बॉयल कर लिया। ये बिल्कुल अच्छे से पककर गल चुका है क्योंकि मेथी जो होती है वो पकने के बाद बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाती है। तो मेथी अच्छे से पक चुकी है और ये मेथी जो है गल चुकी है अच्छे से। तो इतना ही हमको पकाना है, उसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लेंगे। सो गाइज, इस हेयर ग्रोथ चैलेंज को आपको ज़रूर फॉलो करना है। कम से कम 30 डेज तक इस हेयर ग्रोथ चैलेंज को ज़रूर फॉलो करना है। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है हेयर ग्रोथ के लिए और आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। मैंने इस सारी चीज़ों को यूज़ किया है, मैंने इसका बहुत सारा फ़ायदा देखा है गाइज, इसलिए मैं आपके साथ ये सीरीज शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको बारिश में यानी कि मानसून में हेयर फॉल की प्रॉब्लम है या किसी भी रीज़न से हेयर फॉल की प्रॉब्लम है या फिर आप बालों की ग्रोथ तेज़ी से करना चाहते हैं, तो आप इस सीरीज़ के सारी जो तरीके में सारी जो रेमेडीज मैं बता रही हूँ उसको फॉलो कर जरूर करिएगा। और आप सीरीज़ फॉलो नहीं करते हैं तो सिर्फ पैक या सिर्फ टोनर या फिर सिर्फ शैम्पू का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आप अपने बालों की पूरी तरह से सुधार चाहते हैं, बालों की लंबाई को बढ़ाना चाहते हैं, हेल्थ को सुधारना चाहते हैं, तो आप इस पूरी सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें। तो इसको मैंने एक ग्लास की हेल्प से अच्छे से मैश कर लिया। तो किसी चीज़ से अच्छे से मैश कर लेना है क्योंकि ये बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। मैश करने के बाद इसको अच्छे से दबा दबा कर छान लेना है ताकि इसकी जितनी भी गुडनेस है वो सब इस पानी में आ जाए। तो ये बिल्कुल अच्छे से पकने के बाद आप देख सकते हो गाइज, हाफ बोल पानी बचा हुआ है। तो आप चाहें तो पकाते समय थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैंने बिल्कुल अच्छे से छान लिया है। उसके बाद गाइज, ये जो बच जाता है मेथी कलौंजी, इसको फेंकना नहीं है क्योंकि आपको अगर आप सीरीज़ फॉलो कर रहे हो तो आप इसका पैक बनाकर लगा सकते हो। इसके लिए आप इसमें थोड़ा सा मेथी कलौंजी और ऐड कर दीजिए, ओवरनाइट सोक कर दीजिए और नेक्स्ट डे आप इसको यूज़ कर सकते हो या फिर इतना काफ़ी है आपके एक बार के लिए स्कैल्प में लगाने के लिए। आप इसको पीस कर इसमें बाकी की जो चीज़ें हैं मैंने पैक में बताई हैं वो सब ऐड करके आप इसका पैक तैयार करके अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप इस शैम्पू को यूज़ कर सकते हो। सो गाइस जी, इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक शैम्पू। तो अगर आप हफ्ते भर के लिए बना रहे हैं, जितना हफ्ते भर में आपके बालों के लिए शैम्पू लगता है उतना आप यहाँ पर शैम्पू ऐड कर सकते हो, और कोई भी शैम्पू जो आप यूज करते हो वही शैम्पू आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक शैम्पू यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे बालों के लिए इतना काफ़ी होता है, मेरे बाल अच्छे से क्लीन हो जाते हैं एक शैम्पू में। उसके बाद इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अगर आप इसको स्टोर करने के लिए बना रहे हैं तो सिर्फ एक हफ्ते के लिए स्टोर करें, इससे ज़्यादा के लिए स्टोर ना करें। अगर आपके पास कोई एसेंशियल ऑयल है तो आप इसमें थोड़े से एसेंशियल ऑयल के कुछ ड्रॉप डाल दीजिए। उसके बाद आप इसको एक हफ्ते के लिए स्टोर करते हैं तो इसकी सेल्फ लाइफ और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसको सिर्फ और सिर्फ फ्रिज में स्टोर करना है, बाहर बिल्कुल भी स्टोर नहीं करना है।
सो गाइज आप इसका यूज़ कैसे करना है चलिए जान लेते हैं। तो फ्रेंड इस शैम्पू को आप जब भी अपने बालों को धुलते हैं इसी शैम्पू से आपको अपने बालों को धुलना है। हफ्ते में एक बार दो बार या तीन बार जितनी बार अपने बालों को वॉश करते हैं इसी शैम्पू से आप अपने बालों को वॉश कीजिए। तो आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूँ, आपको टोनर 2 से 3 दिन लगातार लगाना है या फिर रात में लगाइए और सुबह आप पैक लगा लीजिए, उसके बाद आप ये शैम्पू कर लीजिए। तो जिससे जैसा भी आपको कंफर्टेबल उस तरीके से आप इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए, आप देखेंगे आपके हेयर फॉल बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएंगे और एक महीने में आपके जो भी बाल झड़ चुके हैं वही दोबारा से उगना शुरू हो जाएंगे, बालों की जो ग्रोथ है तेज़ी से बूस्ट हो जाएगी। एक महीने में बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलेगा आपको आपके बालों में। और अगर आप 15 दिन भी इसको यूज कर लेते हैं तो आपको 15 दिनों में फ़र्क दिखने लगेगा आपके बालों में। तो लगातार इस सीरीज़ को 3 महीने तक फॉलो करना है गाइज। आई होप कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, हम उसको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। सो गाइज आप हमारी इस सीरीज़ की जो पिछली दोनों वीडियोज हैं यानी कि मेथी कलौंजी हेयर ग्रोथ टोनर, मेथी कलौंजी हेयर ग्रोथ पैक, वो भी आप ज़रूर देखिएगा उसका वीडियो। और तो उसका मैं वीडियो एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगी, कार्ड पर भी लगा दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी उसका मैं लिंक दे दूंगी, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उसके बाद आप और इस सीरीज़ को आप जैसे भी चाहें आप फॉलो कर सकते हैं, चाहें तो सारी चीज़ों को आप अच्छे से सीरीज की तरह फॉलो करें या फिर आप एक एक चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक एक चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पर बहुत सारी हेयर ग्रोथ से रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाती हैं, आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर वॉच करें। अगर आप मेरी कोई रेमडीज यूज़ करते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है गाइज़ कि प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर बताएँ। सो गाइज वीडियो को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग, टेक केयर, बाय।